राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, संस्कृति विभाग एवं चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज तथा संस्कार भारती महानगर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कला रंग कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल में क्रांति की ज्वाला विषयक 5 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का समापन हुआ, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पूर्व सदस्य डॉक्टर भरत भूषण एवं संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के पूर्व सदस्य हरि प्रसाद सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यशाला में मौजूद रहे और कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे 49 कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों का अवलोकन किया। इस अवसर पर कार्यशाला में शामिल कलाकारों ने देश की आजादी में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले पूर्वांचल के अमर शहीदों को अपने चित्रों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला के पूर्व विभाग अध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि गोरखपुर की पहचान यहां से प्रकाशित होने वाले धार्मिक ग्रंथ गीता से है तथा गीता प्रेस परिसर में जो चित्र बनाए गए हैं उसकी अपनी अलग छवि है। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार अमिता सेरगिल के चित्रों में यहां की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है तथा हमें गर्व है कि इन्हीं नवोदित कलाकारों में से कोई शहर का नाम राष्ट्रीय फलक पर रोशन करेगा। कार्यशाला की संयोजक डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने कहा कि किसी भी देश की सांस्कृतिक क्षरण को रोकने का दायित्व कलाकारों का ही है, जिन्होंने समय समय पर अपने चित्रों, नाटक एवं गीतों के माध्यम से करने का कार्य किया है। इस अवसर पर डॉक्टर ममता श्रीवास्तव केतन, डॉक्टर पवन सिंह, डॉक्टर विवेक, सुशील गुप्ता, भास्कर विश्वकर्मा, विनीता श्रीवास्तव, मोना शाह समेत प्रतिभागी छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रेखा रानी शर्मा व डॉक्टर भरत भूषण ने कहा डॉक्टर रेखा रानी शर्मा। ये राज्य ललित कला अकेडमी, संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश एवं संस्कार भारती और चंद्रकांती रमावती देवी आर महिला पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय कार्यशाला का समापन है, जिसमें प्रदर्शनियां लगाई गई हैं जो चौरी चौरा पे आधारित पेंटिंग यहां बनाई गई है। करीब इसमें 49 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। जी अभी सम्मानित के लिए तो अभी एकेडमी से जाएगी, उसके बाद ही सम्मानित की जाएगी, लेकिन इन कलाकारों ने 5 दिन रह के यहाँ जो पेंटिंग बनाई है उसकी प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश और चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में क्रांति की ज्वाला कला के रंग विषय एक 5 दिन की कार्यशाला का आयोजन हुआ। आज उसका समापन समारोह हो रहा है और इसके प्रशिक्षक थे श्रीमती ममता श्रीवास्तव केतन, और जिसके संयोजन में ये कार्यशाला चला है वो हैं डॉक्टर रेखा रानी शर्मा। इसमें इस अंचल के तमाम नवोदित चित्रकार
उन्होंने भाग लिया और जो आज़ादी की क्रांति थी इसमें विशेषकर चौरी चौरा का जो जन क्रांति शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है उसको समर्पित यह कार्यशाला है। उसमें सारे चित्रकारों ने अलग अलग विषय लेकर इस क्रांति से संबंधित विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छा संयोजन किया कि उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी चित्रकार हैं वो उस आज़ादी की पीड़ा से जिन्होंने शहादत दी है हमारे पुरखों ने उनकी मानसिकता को अब महसूस करके और फिर जो मन में आया जो उनको उचित लगा उसको चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है और ये सुंदर चित्र अलग अलग संयोजन में बने हैं जो निश्चित रूप से समाज में एक सकारात्मक संदेश ले जाएंगे। चित्र कला कार्यशाला अत्यंत सफल रही है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ को और चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज को ढेर सारी बधाई और इन प्रतिभाशाली कलाकारों को अशेष शुभकामनाएं।